लालची ब्रेड पकोड़े वाली। खजूरीपुर गांव में शंकर नाम का भजिया बेचने वाला रहा करता था, जो कि गांव-गांव जाकर भजिया बेचा करता। एक रोज शंकर देर शाम जब घर लौट कर आता है तो शंकर की पत्नी झुमरी आंगन में बैठी हुई शंकर का इंतजार कर रही होती है। आ गए आप? हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा बताओ, शाम के राशन में क्या लेकर आए हो? अरे वो आज ज्यादा भजिया बिक नहीं पाई तो थोड़ा ही राशन लेके आया हूँ, ये लो। अरे हाँ नहीं तो तुम जितना भी भजिया बनाने में सामान खरीदते हो उससे ज्यादा तो तुम नुकसान करा बैठते हो। तुम अपने भजिया का रेट क्यों नहीं बढ़ा देते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जल्दी ही सड़क पर आ जाएंगे। हाँ नहीं तो आज तक भगवान की दुआ से कभी हम भूखे रहे हैं जो अब रहेंगे। बस इसी वजह से कमा कर एक डेढ़ साल से खास हो रहा हूँ। आगे भी हम ऐसे ही काम कर खाते रहेंगे। कभी किसी चीज का लालच नहीं किया मैंने, कभी भगवान भी हमारे खाने पर आफत नहीं करता। संतोष रखना तो अच्छी बात है, लेकिन कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, उन्हें खिलाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। कहाँ से लाएंगे? थोड़ी बहुत तो भजिया का रेट बढ़ाना ही होगा ना। अब अगले ही दिन शंकर सुबह सुबह भजिया लेकर बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव की एक औरत मिलती है जो कि उसके गांव की थी, और वो शंकर से कहती है, अरे भैया आप आ गए, मैं आपका ही तो इंतजार कर रही थी। आपके हाथों का भजिया खाए बिना तो मेरा दिन ही नहीं शुरू होता। वैसे मैं तो कहूँगी आप भजिया के साथ साथ समोसे ब्रेड पकौड़े भी बेचने का काम शुरू कर लो, ताकि आपकी दिन की अच्छी कमाई हो जाए। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, चलो इस पर भी विचार करता हूँ। वैसे तो मैं इस डेढ़ साल से ये भजिया बेचकर काम चला रहा हूँ। अरे भैया भजिया तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ब्रेड और समोसे की डिमांड इस भजिये से ज्यादा है, इसीलिए इसमें आपका फायदा जरूर होगा। औरत की बात शंकर को सही लगती है, और वो जब घर जाता है तो अपनी पत्नी झुमरी से उस औरत की कही सारी बातें बताता है। अरे हाँ नहीं तो मैंने तो पहले ही कहा था तुम भजिया छोड़कर समोसे ब्रेड की दुकान लगा लो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, किसी ने कह दिया तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली है। अरे भाग्यवान, अकल तो देर से ही आती है ना। चलो देर से ही सही, लेकिन मैं समझता तो हूँ। अब कल ही हम अपने घर के बाहर ही भजिये के साथ साथ समोसे और ब्रेड पकौड़े की दुकान लगाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा है, शंकर कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर के बाहर भजिया के साथ समोसे और ब्रेड पकौड़े की दुकान लगाता है, और पहले ही दिन शंकर की अच्छी खासी बिक्री होती है। और वही औरत जिसने कल शंकर को ब्रेड पकौड़े और समोसे की दुकान लगाने का आइडिया दिया था, वो देर शाम शंकर की दुकान पर ब्रेड लेने आती है। अरे भाई साहब आज आप आए नहीं तो खुद ही आपकी दुकान से भजिया लेने चली आई, क्योंकि गांव में आपकी दुकान के पहले दिन ही खूब चर्चा है। अब से मैं यही भजिया की दुकान लगाया करूंगा। आपको भजिया समोसे ब्रेड पकौड़े जो कुछ चाहिए होगा आप यहाँ से लेकर जाइएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था और शंकर की ब्रेड समोसे और भजिया की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। झुमरी समोसे ब्रेड भजिया बनाया करती और शंकर घर के बाहर रेड़ी पर ये सब बेचा करता। एक रोज देर शाम झुमरी और शंकर जब खाना खाने बैठते हैं तो झुमरी अपने पति शंकर से कहती है, अजय सुनते हो? हाँ नहीं तो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तो तुम्हारे उस कल्लू भाई की शादी हो रही है? अजी धत, तुम्हें तो प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती, मैं ना माँ बनने वाली हूँ, ये है खुशखबरी। इतना सुनने के बाद ही खाना खा रहा शंकर खुशी से उछल पड़ता है और घर में नाचता हुआ झुमरी को गले लगा कर कहता है, क्या तुम सच कह रही हो, मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ? अरे इतनी खुशी की बात तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताई, क्यों छुपा के रखी? मैं आज बहुत खुश हूँ, देखा भगवान ने हमें हमारे लाल के आने से पहले एक अच्छा सा काम दे दिया, और क्या चाहिए हमें। अरे देखो जी, हाँ नहीं तो मुझे इस खुशखबरी पर तुमसे कुछ चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मना नहीं करोगे। अरे तुम मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए तो अब जान भी कुर्बान है, क्या चाहिए तुमको? अरे मैं क्या ही चाहूंगी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा सोचो। आपसे यही कहूंगी कि अब आप भजिया और ब्रेड पकौड़े के रेट थोड़े बढ़ा दो,
लेकिन ये तो सही नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हमारे सस्ते भजिए, समोसे और ब्रेड पकौड़े के रेट की वजह से इतना ग्राहक हमारे दुकान में आते हैं। मैं आपको अपने लिए करने को नहीं बोल रही, अरे हमारे आने वाले लड्डू गोपाल के लिए करने को कह रही हूँ। बाकी जो आप सही समझो, हाँ नहीं तो। झुमरी जानबूझकर शंकर को इमोशनल कर देती है और शंकर भी ना चाहते हुए अगले ही दिन समोसे ब्रेड पकौड़ी का रेट बढ़ा देता है। और अगले ही दिन जब झुमरी के पड़ोसन रजनी समोसे ब्रेड लेने आती है तो समोसे ब्रेड के बढ़े हुए रेट सुनकर शंकर से कहती है, अरे तोबा रे तोबा, अरे अचानक ऐसा भी क्या हो गया जो समोसे ब्रेड और भजिया सभी के रेट बढ़ा दिए तूने निकम्मे। अरे लगता है दुकान अच्छी चल रही है तो मनमाना पैसा लेने का इरादा है तेरा शंकर। अरे रजनी भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तेल मसाला बेसन मैदा इन सब में बहुत पैसा लगता है और ये सब देखते हुए ही मैंने थोड़ा सा दाम बढ़ा दिया है और कुछ नहीं। अरे लेकिन मैं तो पिछले ही दाम पर लेकर जाऊंगी, तुझे गांव वालों को जितना मर्जी ठगना है ठग सकता है, रजनी तेरे झांसे में नहीं आने वाली। झुमरी तो ठीक ही लालच है, उसके लालच की वजह से ही समोसे भजिया और ब्रेड पकौड़े का रेट शक्कर ने बढ़ाया था। अब कुछ दिन बाद शंकर अपने गांव जाने की तैयारी में था और वो दुकान झुमरी को सौंप कर गाँव जाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, चाचा जी का जमीन का मामला ना होता तो मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाता, लेकिन तुम बहादुर हो झुमरी, तुम सब कर सकती हो। मैं जल्द ही 4-5 दिन में ही गाँव लौट आऊंगा, बस तुम अपना ध्यान रखना ठीक है। अरे आप आराम से जाइए, हाँ नहीं तो, और महीने बाद भी लौटेंगे ना, तब भी आपको आपकी झुमरी ऐसे ही मिलेगी। अब तो मेरा पेट भी बाहर आने लगा है और जब तक आप आएंगे तब तक तो ये और भी बाहर आ जाएगा। मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। शंकर के चले जाने के बाद समोसे ब्रेड की दुकान का सारा भार झुमरी पर आ जाता है और झुमरी तो पहले से ही पेट से थी, तो गांव के लोग भी इस हालत में समोसे ब्रेड और भजिया उसे बनाते देखकर महंगे से महंगे दामों में भी उसे खरीद लिया करते ताकि उसकी मदद हो जाए। अब देर शाम जब झुमरी समोसे ब्रेड बेचकर घर पहुंचती है तो पैसे गिनती हुई खुद से कहती है, हाँ नहीं तो, पेट में बच्चा तो एक बहाना है, अभी तो झुमरी को और भी पैसा कमाना है, बस देखते जाओ गांव वालों झुमरी के इस बच्चे का कमाल। इतना कहकर झुमरी अपने पेट में लगाया हुआ तकिया बाहर निकालती है और जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि झुमरी पेट से थी ही नहीं, वो बस लालच में आकर गांव वालों को अपनी प्रेगनेंसी का लाचारपना दिखाकर उनसे ज्यादा पैसों में समोसे ब्रेड बेचकर पैसे कमा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शंकर को गांव गए काफी समय हो गया था। जब झुमरी को ये पता चलता है तो झुमरी अगले ही दिन दुकान पर आए सरपंच जी को समोसे देते हुए कहती है, हाँ नहीं तो, सरपंच जी ये लीजिए आपका गर्मा गर्म ब्रेड और समोसा, इस हालत में मैं तो अब कोई काम नहीं कर पा रही, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से पति से खाया धोखा, दोनों ही मुझे अब सता रहे हैं। ये क्या कर रही हो झुमरी तुम, शंकर कहाँ है और इस हालत में तुम काम क्यों कर रही हो? अरे हाँ नहीं तो, अरे वो तो मुझे छोड़ कर चले गए और पेट में थमा गए ये 4-5 महीने का बच्चा, अरे अब तो मैं क्या करूँ, इसी बच्चे के सहारे दिन काट रही हूँ। झुमरी लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि अब वो अपने पति के छोड़ जाने का बहाना बनाकर लोगों से सिंपथी ले रही थी और गांव के लोग भी उसे लाचार और बेबस समझकर सामान खरीद लिया करते चाहे उसका दाम कितना भी हो। हालांकि उसने साथ ही सामान की क्वालिटी भी गिरा दी थी। एक रोज गांव की एक औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़े झुमरी की दुकान पर आती है, अरे झुमरी बहन ये क्या किया तुमने, एक तो समोसे ब्रेड में गंदा तेल मिलाती हो और देखो रात से मेरे बेटे को उल्टियां हो रही है। हाँ नहीं तो, अरे मुझे जैसी बेबस लाचार पर इतना बड़ा जुल्म काहे कर रही हो बहन, ये इल्जाम काहे लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? अरे तुझे शर्म नहीं आती, झुमरी के पेट में 4-5 महीने का बच्चा है और वो बच्चे को मारने वाला जहर बेचेगी क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रही है रजनी, झुमरी भला ऐसा क्यों करेगी, उस बेबस लाचार पर तो दुनिया को रोना आ जाए और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। झुमरी अब मन ही मन बहुत खुश थी, गांव वाले भी अब उसके साथ जो थे। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद शंकर गांव वापस लौट कर आता है और शंकर को गांव लौटता देखकर सरपंच शंकर को खूब खरी खोटी सुनाता है।
तो इस गांव में वापस क्यों लौट कर आया? अब क्या अपनी बीवी को मारने आया है? शंकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो सर झुकाए सरपंच की बात सुनकर वहाँ से घर पहुँचता है तो देखता है कि झुमरी जो कि 4-5 महीने का बच्चा होने का दावा कर रही थी, वो तकिया निकाले खाट पर पसर कर सोई थी। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे और तुम्हें शर्म नहीं आई? और गांव वाले मुझसे बोल रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के चला गया। हाँ नहीं तो आप कब आए? अरे मुझे बता दो दिया होता कि आप आने वाले हैं, एक तार ही भेज देते। गांव वाले झुमरी के घर की खिड़की से ये सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा कर दिया था शंकर के लौटने पर। अब शंकर और झुमरी की बातें गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले झुमरी को गांव से निकालने की मांग करते हैं, लेकिन शंकर अपनी पत्नी का साथ देता है। अगर झुमरी इस गांव से जाएगी तो मैं भी इस गांव से जाऊंगा, क्योंकि मैं झुमरी के साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरी पत्नी है। शंकर तू बावला हो गया है क्या? तब तो तेरी पत्नी ने एक बार भी नहीं सोचा जब उसने कहा कि तू इसे गर्भवती कर छोड़ गया। शंकर और झुमरी को गांव से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो दूसरे गांव में एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि झुमरी को समझ आ गया था कि लालच तो बुरी बला होती है और उसके लालच की वजह से ही उसने अपना गांव तक गवा दिया था। अब दूसरे गांव जाकर झुमरी और शंकर बहुत मेहनत से ब्रेड पकौड़े की दुकान खोलते हैं और ईमानदारी के साथ उसे चलाते हैं। अरे जब पूरी वीडियो देख ली है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करके भी चले जाओ ना। हाँ नहीं तो गरीब की ईद। सलीम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करता था। सलीम मजदूरी करके अपना घर परिवार तो चला रहा था, लेकिन अब महंगाई के इस दौर में उसके लिए दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे जुटा पाना मुश्किल हो गया था। एक रोज देर रात सलीम घर आता है। वैसे ही उसका बेटा जहान अपने अबू को गले लगा कर कहता है, अबू आ गए, अबू आ गए। अबू आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं? अरे जहान बेटा बाहर जाकर खेलो, अबू अभी काम से आए हैं, थके हुए हैं वो। जो भी तुम्हारे लिए लाए होंगे वो तुम बाद में खा लेना। ठीक है अम्मी, आप कहती हैं तो मैं जाता हूँ। एक गिलास पानी तो पिला दो, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। अब शाबा सलीम के लिए पानी लेकर आती है और वो देखती है कि उसका पति उदास है। ये देखकर शाबा सलीम से पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो और आज आप राशन भी नहीं लाए? कोई बात हुई है क्या मालिक से आपकी? नहीं, आज मालिक ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा आज के बदले का पैसा भी मैं कल ले लूं। और तुम जानती हो ना, लाला उधार देता ही नहीं। बस यही सोचकर परेशान हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा। अब तक भी घर ऐसे ही तो चलता आया है और आगे भी खुदा की जैसी मर्जी, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो हमें निराश नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आज के खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मुझे मेरी और तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन जहान तो बच्चा है और वो इतनी ही छोटी उम्र से ये सब देख रहा है। अभी तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और कुछ दिनों बाद ईद भी तो आ रहा है। हाँ, ईद के लिए तो मुझे भी टेंशन बनी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सिलाई के बारे में रेशमा बाजी से पूछा था और उन्होंने कहा है कि कल वो बताएंगे, और अगर मुझे रेशमा बाजी के यहाँ काम मिल गया तो घर के खर्चों में थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ ये तो तुम ठीक ही कह रही हो, और उसका घर भी तो पास में ही है, तुम जहान का भी ध्यान रख पाओगी और अपना काम भी कर पाओगी। सलीम और शाबा का परिवार बहुत दुखों से गुजर रहा था, लेकिन सलीम बहुत मेहनती था। अब अगले दिन जहान सोकर उठता है तो शाबा घर के कामों में लगी होती है और वो अपनी बेटी से कहती है, उठ गया मेरा जहान, बेटा चलो जल्दी से खाना खा लो ताकि मैं रेशमा बाजी के घर कपड़े सिलने जा सकूं। आप अरबाज की अम्मी के साथ काम करेंगी क्या अम्मी? हाँ, मुझे अरबाज की मम्मी की मदद करनी है। ठीक है ना, तुम्हें कोई काम हो तो तुम अरबाज के घर आ जाना। जी ठीक है अम्मी, वैसे भी अरबाज तो मेरा सच्चा दोस्त है। अब शाबा भी अपनी पड़ोस के यहाँ सिलाई करने के लिए चली जाती है। उसे वहाँ कपड़ों की पैकिंग का काम मिला था। वहीं दूसरी तरफ सलीम मजदूरी करके घर चला रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज जहान के साथ गांव के बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी अरबाज जहान के पास आता है और जहान से कहता है, जहान ये देख, ये मेरे अब्बू लेकर आए हैं। कैसा है ये कमीज है
और ये पैंट मैं ईद वाले दिन पहनूंगा। और अब्बू तो कह रहे थे कि वो मेरे लिए अच्छा सा जूता भी लेकर आएंगे। अरे ये तो सचमुच बहुत सुंदर है, इसमें बेल्ट भी लगा है। हाँ, अरे नूरी भी कुछ लेकर आ रही है, लगता है वो भी ईद का नया कपड़ा दिखाने आ रही है। नूरी ये क्या है, तेरे अब्बू ने भी क्या तेरे लिए ईद पर कपड़े दिलाए हैं? दिखा दिखा, मुझको भी तो दिखा। मेरे अब्बू ने तो बहुत महंगी सी फ्रॉक दिलाई है मुझे, ये देखो कितनी सुंदर है, इसमें तो मैं होर की परी लगूंगी। हाँ हाँ, और देख ये मेरे अब्बू लाए हैं। लेकिन जहान, तेरे अब्बू तेरे लिए क्या लेकर आए हैं? कुछ भी नहीं, अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ईद पर नए कपड़े लेकर आए। इसके अब्बू तो इसे ईद पर पुराने कपड़े पहनाएंगे नूरी। जहान, तेरे अब्बू को नहीं पता क्या कि ईद कितनी खास होती है? अगर तू कहेगा तो मैं तुझे अपने पिछले साल के ईद के कपड़े दे सकता हूँ, लेकिन अब वो तुझे छोटे होंगे। शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मेरे अब्बू तुम लोगों के अब्बू की तरह अमीर नहीं है, वो एक मजदूर है और उन्हें मजदूरी में जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो घर का ही खर्च निकाल पाते हैं बस। और तेरी अम्मी भी तो मेरे घर का काम करती है ना, क्या वो तुझे नए कपड़े नहीं दिलवा पाएंगी? नूरी और अरबाज की बातें सुनकर जहान की आंखें नम हो जाती है और वो वहां से भागता हुआ अपने घर आ जाता है। जहान बेटा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो, कहां से भाग कर आए हो और तुम रो क्यों रहे हो? अम्मी, अब्बू मुझे कपड़े नहीं दिला रहे ना ईद में। आप देखो मेरे सभी दोस्तों के अब्बू ने उनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े जूते लाए हैं, और क्या मैं इस ईद में भी पुराने कपड़े पहनूंगा? जहान रोते नहीं है मेरे बच्चे। बेटा मैं कहूंगी तेरे अब्बू को कि तेरे लिए कपड़े लेकर आए। शाबा जहान को चुप करवा ही रही थी कि तभी सलीम काम से आता है और शाबा की बातें सुनकर शाबा से कहता है, क्यों बच्चों को झूठा दिलासा दे रही हो, मेरे मालिक ने मुझे एडवांस देने से साफ मना कर दिया है, तो भला मैं ईद पर नए कपड़े तो क्या, खाने को भी पैसे कहां से ला पाऊंगा। और इसे रोने दो, इसे भी तो पता चले कि ये गरीब के घर में पैदा हुआ है और ये अपनी किस्मत से लड़ा तो तभी ये आगे निकल पाएगा इस गरीबी से, वरना तो रोता रहेगा अपने बदनसीब बाप की तरह। ये आप क्या कह रहे हैं, आप बच्चों को तो कम से कम ऐसी बातें मत कहिए। देखा मैंने कहा था ना, अब्बू मुझे इस ईद भी नए और अच्छे कपड़े नहीं दिला रहे। ये कहकर जहान और भी ज्यादा रोने लगता है और कमरे में चला जाता है और सलीम ये देखकर उदास हो जाता है। लेकिन शाबा सलीम को समझा रही थी, इधर ईद को आने में 2 ही दिन बचे थे और जहान अपने सभी दोस्तों से ना मिलने का मन बना लेता है। अब अगले रोज जहान के अब्बू के काम पर जाने के कुछ समय बाद ही जहान की अम्मी भी काम पर निकल जाती है और जहान भी घर में अकेला होता है। अरबाज तो मेरा सच्चा दोस्त था, लेकिन उसने भी मुझे कपड़े दिखाकर मेरा मजाक बनाया कि मेरे अब्बू तो मुझे ऐसे कपड़े दे ही नहीं सकते हैं। अरबाज मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। जहां जहान अपने दोस्तों से नाराज था, वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त पीपल के पेड़ के नीचे अपने गुल्लक फोड़कर पैसे गिन रहे होते हैं। मेरे गुल्लक में तो 322 रुपए निकले हैं। और नूरी जद, तेरे गुल्लक में कितने पैसे निकले हैं? मेरे गुल्लक से 125 रुपए निकले हैं और जैद के गुल्लक से 202, और इसमें हमारा काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और आज तो जहान भी नहीं आया। अब देर शाम चाबा और सलीम अपने अपने काम से आते हैं तो वो अपने साथ कुछ कुछ सामान लेकर आते हैं। ये देखकर जहान को लगता है कि उसके अम्मी और अब्बू उसके लिए नए कपड़े लेकर आए हैं। अब जैसे ही वो अपनी अम्मी और अब्बू के हाथों से वो पन्नी लेकर कपड़े देखता है तो उसमें उसके लिए कपड़े नहीं चाबा और सलीम के कपड़े होते हैं। ये देखकर जहान और भी उदास हो जाता है। मेरे लिए आप लोग कुछ नहीं लाए, लेकिन अपने लिए तो आप लोगों ने नए नए कपड़े खरीद लिए। ये मुझे और तेरे अब्बू को जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से मिले हैं, तू गलत क्यों समझ रहा है बेटा? जहान अब कहाँ जा रहा है?
मैंने कल किसी से उधार लेने की बात की है, मैं तेरे लिए कपड़े खरीद दूंगी। नहीं चाहिए मुझे कपड़े, ना ही मुझे ईद मनानी है। आप लोगों को मुबारक आपकी ईद। शाबा और सलीम को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जहान को कैसे समझाए। अब ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है। ईद वाले दिन सुबह सुबह ही जहान के दोस्त जहान के घर आते। आंटी ईद मुबारक, अंकल ईद मुबारक, जहान कहाँ है? हम जहान से मिलने आए हैं। वो तो दो दिन से नाराज है, ना जाने उसे क्या हुआ है। उसे मैंने कितनी बार समझाया लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं। अरे ये जहान भी ना, कहाँ है जहान? उस कमरे में। अब जहान के दोस्त जहान को मनाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और जहान को नए कपड़े जूते देते हुए कहते हैं, ईद मुबारक जहान, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तभी तो हम सब ईद मनाने जाएंगे। ये तुम लोग मेरे लिए लेकर आए हो सच्ची? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना सुंदर कपड़ा और जूते भी कितने प्यारे हैं। लेकिन तुम लोगों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे ये तो आम खाना, गुठली क्यों गिनता है। इस तरह जहान की ईद उसके दोस्त खास मनाते हैं। और एक तरफ जहान के अम्मी अब्बू को उनके मालिक से कपड़े भी मिल चुके थे, वहीं जहान को उसके दोस्तों ने ईद वाले दिन नए कपड़े देकर ईदी दी थी, जिसे पहनकर जहान खुशी खुशी अपने दोस्तों और परिवार के साथ ईद मनाता है।